ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। देखो भाई, ये मेरे को नाम पढ़ते ही ना जेन में समझ आ गई थी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। इसका मतलब यही हो सकता है कि भाई मैं मतलब मेरे को अंदर से ही पता चल गया ब्रो, मैं बेला का फैन है ब्रो, मेरे को पता चल जाता है। तो हनी सिंह का एल्बम आने वाला, और ये मुझे इस तरह पता चला कि मैं स्क्रोल कर रहा था, तो भाई उसका वो आता ना इंस्टाग्राम पे वो सीन, अबे टिकटॉक बन गया इंस्टाग्राम भी। तो भाई उसके अंदर आ रहा था एल्बम का सीन आ रहा था 3.0 कुछ करके आ रहा था, जिसके अंदर जाहिर बात है हनी सिंह का पहला एल्बम और पहला जो एक दौर था, मतलब एमी में कह रहा हूँ, हनी सिंह का एक टाइम था ब्रो, एक सीन था। बीच में वो उनकी तबीयत खराब हो गई, और बीच में फिर जो गाने आ रहे हैं तो वो उतना मोमेंटम नहीं क्रिएट अच्छा कर पा रहे जितना करना चाहिए था। म्यूजिक टॉप नॉच है, प्रोड्यूसर बेस्ट है, बट लिरिक्स, क्योंकि गोस्ट राइटिंग भी होती है और हॉर्स राइडिंग भी होती है, तो वाला जो सीन है ना ब्रो, तो वो थोड़ा कर गया सीन। तो और ऊपर से रैप एक बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालने शुरू हो गया, अंडरग्राउंड के रैपर्स बहुत ज़्यादा उठ पड़े और एक प्रॉपर रैप आने शुरू हो गया, ब्लेंड सीन खत्म हो गया। बट वो ब्लेंड सीन हनी सिंह का खूबसूरत था। एनीवेज, तो मुझे पता है क्योंकि बेला का एल्बम आने वाला, ठीक है ना, कहीं ना कहीं मुझे शक है, पता मैं मतलब मुझे पता ही है, समझ लो कि ये एल्बम का हो सकता है इंट्रो, और ये भी हो सकता है कि दोनों का एल्बम शायद एक ही दिन निकले, कुछ भी हो सकता है ब्रो। लेकिन मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ क्योंकि हनी सिंह का एल्बम आ रहा है, तो बेला अपनी एल्बम का भी अनाउंसमेंट एक तरह से कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं कि बेला क्या लेकर आया। बेला को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, टी सीरीज। हाँ ब्रो, समझ रहे हो। से पहले वाली शोहरत थी, मैं लाइन पहले पढ़ ली यार, मेरे कहा था ना ब्रो ये वही सीन होगा। मुझे 110% मुझे रात को मेरे खास से गाना है, और रात को जब हनी सिंह लिखा हुआ ना, मैंने समझ, मैंने कहा ये वही चीज है। ये आंधियों से पहले वाली शोहरत थी, अब भी है तुझ पे मौका गो अल्लाह फमी, Bollywood की मूवी मेरी जिंदगी, मैं हनी सिंह बस अभी हूँ मारुति। हिट हिट दूंगा मैं जैसे नवाजुद्दीन, मैं मारुति को बना दूंगा लेमोसीन। ग्रैमी गर्ल देखे मैंने, गाने करा सब कुछ तकलीफ में, छीने बख्शीश है, सीखा मैंने बहुत कुछ हर भाई से, मिली मुझे की टू द हाईनेस, बना एज अ फाइनेस, किसी की भी पकड़ मेरे हाथ पे नहीं, दो तीन साल अगर काम पे नहीं है तो भी एक दिन गाना मेरा आएगा भाई। मार्केट शुरू से थी मेरे हाथ में, अभी मैं कम बैक करूंगा तो फिर पास सही है, तुझे खौफ देखना है मेरे पास सही है, तुझे मेरे सिवा कोई नजर आएगा नहीं है, किसी को भी मेरे काम पे कोई काम ना नहीं है, जब हिट हुआ हाथ तक मैं लाऊंगा नहीं, मैं मुझे गिरा हुआ प्रूफ करे आदि है, भाम आदि को लगे जो भी करूँ सब मैं सही है। मेरी पिक्चर मेरा मेन रोल, बाहर वाले बोले गाने करने को, मैंने बोला टाइम मेरा आने दो, पहले इंडिया पे काबू पूरा पाने दो, नहीं बना मेरी आर्म। ओके, सो बेसिकली आप ये चीज़ तो रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके लिए तो बहुत बड़ा बीपी हो गया, मतलब एमी भी और कृष्णा का। लेकिन अब मेरे हिसाब से इसको पॉजिटिव लेकर चले तो भाई, हर इंसान और हर आर्टिस्ट, और मेरे ख्याल से मतलब इंसान बनो, आर्टिस्ट की जरूरत नहीं, कोई भी बंदा चाहता है कि मेरा नाम इतना बड़ा हो जाए किसी भी शोबे में कि मैं रिप्रेजेंट करूँ अपने मुल्क को, और तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो ठीक है। और मेरे ख्याल से ये जो लाइन थी एंटीडोट के अंदर भी कहीं ना कहीं घुमा के बात की गई थी, एंटीडोट में की थी या किसमें की थी, कि मतलब इसका थीम यही था कि मेरे को मशहूर होने दो, फिर मैं आराम से पहले अपने आप को बना दो, फिर मैं लोगों के साथ कोलैबोरेट करूंगा। मैंने बोला टाइम मेरा आने दो, पहले इंडिया पे काबू पूरा पाने दो, नहीं बना मेरी आर्मी, झूठी तेरी ऑनेस्टी, पापा नो टालो मी, मम्मा नो डालो मी, अप्रारजी अगले 2 सालों में सभी से आगे, मैं नो अपॉलॉजी, मैं रहूंगा सभी से छोड़ में, मैं गायब हो जाऊं जो बिन बताए तो डोंट एवर फॉलो मी, मैं जा चुका सभी से दूर, मेरे यारों ने मुझे मारा है, मुझे सच में कुछ करके दिखाना है, तुमने बस उतना ही देखा जितना I'll let you see। Honestly speaking,
मेरे मेरे जज्बात ज़रा इमोशनल मैं हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने बेला को एज एन आर्टिस्ट देखा हुआ कि वो उसने हेट काफ़ी सहा है, और मतलब वक्त बदलता है ब्रो, टाइम देना पड़ता है किसी आर्टिस्ट को, हमें टाइम देना चाहिए, वो अपनी कला से इम्प्रूव कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को जो मार पड़ती है वो भी उसको इम्प्रूव करती है, समझ लो ये दोनों चीज़ें। प्राउड मोमेंट है ब्रो, बेला कोट के जितने भी फैंस हैं ब्रो, मतलब सीरियसली मेरे को बहुत खुशी हो रही है, एक 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 तरह से ऐसे लग रहा है जैसे आयरन मैन वापस आ रहा है। सीन बहुत टाइट है ब्रो, सीन इस तरह टाइट है कि मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो कि मुझे उम्मीद है, मैं पॉजिटिव वे में लूँगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बेला ने बहुत हाइप बना ली हुई है, बेला की हाइप, बेला की चीज़ें जो हैं, मैं ये पहले बोल चुका हूँ इसलिए मैं इसको कम बोलूँगा कि क्या बेला ये कर पाएगा, पहली चीज़ तो ये है ब्रो, मतलब बेला ये कर पाएगा कि नहीं क्योंकि पहला बेला ने जो एल्बम निकाला था उसके अंदर मेरे ख्याल से गाना बोला था, मेरे ख्याल से ये एंटीडोट में था यार, मैं एंटीडोट दो मिक्स कर गया कि मतलब मैंने गाने बनाए और जोर दिया और एल्बम का नाम दे के बोल तुम क्या बोले, तो इस तरह का सीन था। अब एक प्रॉपर मतलब पहले भी प्रॉपर था, बट यू नो आपका एक एल्बम आ जाता है ना तो आपका स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, आपकी जो ऑडियंस होती है ना वो आप बेस्ट भी दे रहे हो ना तो उस ऑडियंस को उस एल्बम से बड़ी चीज़ आई होती है, और ये बड़ा मुश्किल सीन है, बड़ा मुश्किल सीन होता है, और ऑब्वियसली वो समझता होगा इस चीज़ को, तो वो कर पाएगा मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है उस पर, मुझे बेला वुड पे यकीन है, तो वो करके दिखा सकता है। तो हाँ, रोंगटे भी हैं, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ एज ए फैन के क्या ये सीन हो पाएगा, क्योंकि ब्रो बड़ा एडवेंचर है इसकी मतलब ज़िंदगी ना, एज ए रैप अगर देखा जाए, बहुत से अप एंड डाउन आते हैं, बहुत ही नीट क्लीन आता है, तो सारी चीज़ें समझ आती हैं, शायद ये खूबसूरती है पॉप की, और मुझे वेट है कि कब होगा ये सीन, और समझ रहे हो तो मेरी वाइब समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। सो हाँ, मिलता हूँ लोगों किसी अगली वीडियो में, हनी सिंह की एल्बम का भी इंतजार है, क्या ये हनी सिंह जब फेंकेगा उसी दिन फेंक रहा है इसलिए है ये सीन, ये खैर अब एक नज़रिए हर बंदा अपना अपना रखेगा, बट मेरे को हाँ बेला की बात करें तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, और मैं चाहता हूँ कि वो जिस तरह मैंने लास्ट एल्बम मिक्स टेपों को सुना है मैं उसी तरह उन एल्बम को सुनूँ और एक हिस्ट्री क्रिएट हो और मज़ा आ जाए। बाबा जी, यस कमांडो।